बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पहली मर्तबा आयते सजदा नाजल हुई? सही जवाब है सूरा नजम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसकी रोटी बनाई? सही जवाब है गंदम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो रोटी बनाई उसका तूलो अर्ज कितना था? सही जवाब है उसकी लंबाई चौड़ाई 500 गज थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनका कफन कौन लाया? सही जवाब है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तमाम अजवाज मुतहरात में सबसे कम उम्र किस अजवाज की थी? सही जवाब है हजरत सैयदना आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की। वो कौन सी हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा? सही जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इस्लाम में जो सबसे पहले सर काटा गया वो किसका था? सही जवाब है काब बिन अशरफ यहूदी का। सबसे पहले ईद उल अजहा की नमाज कब पढ़ी गई? सही जवाब है 2 हिजरी को। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी 3 सांस में क्या फरमाया था? सही जवाब है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने पहले सांस में अस्सलात, दूसरी में वमा मलकत अईमानुकुम और आखिरी सांस में अल्लाहुम्मा बिर्रफीकुल आला। वो कौन से ऐसे 5 लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोए? सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर, हजरत यहया अलैहिस्सलाम खौफे इलाही में, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फिराके यूसुफ में, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर के विसाल के बाद, हजरत जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो वाकिया करबला के बाद। जमीन पर नहरों और चश्मों की पैदाइश कब और कैसे हुई? सही जवाब है जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जमीन की तरफ एक वही भेजी कि तुझसे एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूं
जिनको अतात पर जन्नत और नाफरमानी पर दोजख मिलेगी। जमीन ने अर्ज की, क्या अल्लाह तू मुझसे ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो दोजख में जाएगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ। तो जमीन रोने लगी और इतनी रोई के रोने से नहरें और चश्मे जारी हो गए, जो कि ता क्यामत जारी रहेंगे।